हेलो बच्चों, टी डब्ल्यू एस परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते थे कि हम प्रश्नावली 13A स्टार्ट कर दिए थे और ये क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। तो आज हम आगे जितने भी क्वेश्चन हैं इस क्लास में, क्वेश्चन नंबर कोशिश करूंगा क्वेश्चन नंबर 8 तक आज करवा दूं, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। तो मेरा यही रहेगा कि आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं और जहाँ तक कराते हैं वहाँ तक आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, देखिए मैं क्वेश्चन बाबू राइट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ इस बुक में। देखो ये डॉक्टर मनोहर 10th बुक है, ठीक। इसी में से क्वेश्चन नंबर आप बिल्कुल मिला लीजिएगा, जिसको क्वेश्चन पढ़ना होगा क्वेश्चन आप बिल्कुल क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिखा है, आप उससे क्वेश्चन मैच करा के अपना सॉल्व करिएगा। यहाँ पर सोल्यूशन पूरा रहेगा आपका, ठीक है। डॉक्टर मनोहरी एनसीईआरटी पैटर्न क्लास 10th बुक है, ठीक। ये क्लास 10th है। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। दवा का कैप्सूल आप लोग देखे होंगे, वो कैसा होता है बाबू, एक बेलन के आकार का। मैं फिगर बनाते जा रहा हूँ। देखिए, ये दवा का कैप्सूल, मान लीजिए कैप्सूल है, ठीक है। कैप्सूल आप लोग यूज किए होंगे, अगर जब आप बीमार हुए होंगे तो कैप्सूल यूज किए होंगे, तो ऐसा कुछ होता है किनारे और बीच में बेलनाकार होता है। देखिए, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला अध्यारोपित है। मतलब देखो, यहाँ से अगर देखा जाए, समझो, देखो यहाँ से अगर देखा जाए तो इसमें क्या है बाबू, अर्धगोला बन रहा है। क्या बन रहा है, अर्धगोला। ये बीच में देखो बेलनाकार बन रहा है और किनारे किनारे क्या बन रहा है, अर्धगोला बन रहा है। क्या बन रहा है, अर्धगोला। देखिए, अर्धगोला लगा हुआ है या बना हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई, ये टोटल जो कैप्सूल है इसकी 14 सेंटीमीटर, इस पूरे कैप्सूल की लंबाई दिया है यहाँ से किनारे तक, ठीक। 14 मिमी है, सेंटीमीटर नहीं, मिमी। सेंटीमीटर होगा तो कैप्सूल बहुत बड़ा हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। कैप्सूल छोटा सा होता है तो मिमी में होगा, अगर सेंटीमीटर में ले जाए तो कैप्सूल हमारा 14 सेंटीमीटर समझते हैं, बड़ा हो जाएगा, ठीक, मिमी। और उसका व्यास कितना है, 5 मिमी। इसका जो व्यास है, मतलब आप बेलन पढ़े होंगे तो उसमें व्यास भी होता है, तो इसका व्यास यहाँ से आता तो कितना है, पूरा 5 सेंटीमीटर। कितना है बाबू, 5 सेंटीमीटर। ओके, 5 मिमी, सॉरी मिमी है, सब मिमी है, मिलीमीटर, मिमी मीन्स मिलीमीटर। ओके, एमएम। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए ये आकृति बन गया है। इस चैप्टर में जो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारा है, इस चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, लिख देते हैं यहाँ पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल व तथा आयतन, इस चैप्टर का नाम ही है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर है। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर बन के तैयार हो गया है। अब इस कह रहा है कि इस आकृति, जो आकृति बना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक। क्या देखते हैं बाबू, इसमें देखिए अर्धगोला भी है और बेलन भी है। देखिए सॉल्यूशन, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ये सॉल्यूशन है, बेलनाकार भाग, बेलनाकार भाग का त्रिज्या, त्रिज्या क्या होगा। देखिए ये, देखिए पूरा व्यास दिया है 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास बटे 2 होता है, व्यास बटे 2, तो 5 बटे 2 हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। क्या होगा बाबू, त्रिज्या। देखिए इसी बेलन पे भी किनारे में अर्धगोला मतलब लगा हुआ है, बना हुआ है। इसी बेलन क्या है, किनारे किनारे अर्धगोला बना हुआ है, तो इस अर्धगोले का भी व्यास उतना ही होगा, ठीक। तथा अर्ध गोले का त्रिज्या उतना ही होगा, 5/2 मिमी, क्योंकि एक ही चीज पे है दोनों, ठीक। अब देखिए, देखिए ये पूरा कितना है, 14 मिमी है, ध्यान समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक 14 मिमी है। और देखो त्रिज्या अगर हमारा है, और व्यास 5 था तो त्रिज्या कितना है, 2.5 मान लीजिए ये, ठीक, क्योंकि 5 का आधा करेंगे तो 2.5 ही होगा, तो इस प्रकार से इधर भी 2.5 होगा। तो समझिए हम क्या समझा रहे हैं, समझने की कोशिश करिए आप लोग कि मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, ठीक। ये क्या है, 2.5 मिमी यहाँ पर, 2.5 मिमी यहाँ पर, और टोटल लंबाई कितनी है, 14 मिमी, मतलब
पूरा लंबाई कितनी है 14 मिमी। तो ये जो बीच का बेलनाकार हिस्सा है, देखो ध्यान से, इस बेलनाकार वाले हिस्से जो हिस्से हैं, तो इसका कितना होगा, देखिए पूरा 14 है, यहाँ 2.5 है, यहाँ भी 2.5 है, तो दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे 14 में से। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो बीच बेलनाकार वाला हिस्सा है, बीच वाला, उसको दोनों तरफ की त्रिज्याओं को यदि घटा देंगे तो बीच वाला आ जाएगा आराम से, मतलब 2.5 यहाँ, 2.5 मतलब 2.5 यहाँ, 2.5 यहाँ, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक, 5 आएगा। तो 5 हमारा इसमें से घटा दीजिए, तो 14 में से अगर 5 घटा दें तो कितना आएगा बाबू, 9 आएगा। तो बेलनाकार भाग जो है इसकी लंबाई कितना हो गया, 9, कितना हुआ, 9 mm। मात्रक का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मात्रक बदलेगा तो बात बदल जाएगी, ठीक है। देखिए आप इसमें लिख दीजिएगा बेलनाकार, इसको आर से, स्मॉल आर से इंडिकेट कर सकते हैं आप लोग, बेलनाकार भाग की लंबाई, इसको एस से इंडिकेट करेंगे, क्योंकि हमको वर्क पीस निकालना है, तो बेलन का वर्क पीस कितना, 2πRH, ठीक है, इसलिए हम एस यहाँ यूज किए हैं, ठीक। एस बराबर कितना हो गया, 9 mm, कितना हो गया बाबू, 9 mm, ठीक। तो देखिए, अब देखिए कैप्सूल, कैप्सूल की संपूर्ण, कैप्सूल का संपूर्ण, संपूर्ण पृष्ठ, कैप्सूल का क्या है, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है इसका। तो संपूर्ण, संपूर्ण पृष्ठ कैसे करेंगे, देखिए 2 अर्ध गोलों का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ प्लस, देखिए बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ। अब इसको ध्यान से देखिएगा, देखिए 2 अर्धगोला है, देखिए 2 यहाँ पर भी एक अर्धगोला, यहाँ पर भी एक अर्धगोला बन रहा है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जानते हैं आप लोग क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr² होता है, ये पता होना चाहिए आपको, क्या होता है, 2πr², क्या होता है बाबू, 2πr², ठीक। हालांकि 2 है तो इसको ऐसे लिख दीजिएगा 2πr², क्योंकि 2 2 इसलिए 2 का गुणा हो गया, ठीक। अब बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr², ठीक। अब देखिएगा इसको हल करिएगा, इसको पहले अंदर गुणा कर लो, 4πr², ठीक, प्लस 2πr², ठीक। अब जो चीज़ें कॉमन होती है इसको कॉमन ले लीजिएगा, देखिए क्या होगा, 2πr कॉमन ले लेते हैं, तो 2πr कॉमन लेंगे बाबू तो क्या होगा, यहाँ पर 2 बचेगा, पाई निकल गया तो r बचेगा, 2r बचेगा, क्या बचेगा, 2r + h। अब सभी चीज़ों का वैल्यू हमको पता है, तो फटाफट वैल्यू रखते हैं, हल करते हैं, आंसर निकालते हैं, ठीक। देखिए पाई का मान कितना है, 22/7, आर का मान कितना है बाबू, आर का मान है 5/2, ठीक, 2r 5/2 प्लस एच का मान कितना है, 9। तो इसको हल कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से, चल चलिए हल करते हैं, देखिए क्या होगा, 22 × 44/7 गुणे 5/2, ठीक। और इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 5 × 10, ये देखिए 10/2 + 9, ये 9 है, ठीक। देखिए ये क्या होगा, 44 × 4×20 × 4×20 = 22/14 × 7 = 14। अभी इसको हल कर लीजिए, 9 × 2 = 18, 18/2, ठीक। या तो ऐसे मत करिए, तो इसको अगर काट देंगे, काटते हैं तो ये 5 हो जाएगा, देखिए क्या होगा, 5, और 5 में 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा बाबू, 14। अब इसको काट दीजिएगा, मतलब कैंसिल कर लीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 220 mm², एरिया है ना, तो स्क्वायर में हो। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, कितना है बाबू, 220 mm², कितना, 220 mm², ओके। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक। चलिए आप लोग इसको स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसमें फिगर का कमाल होता है, अगर आप फिगर अच्छा बनाते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से लग जाएगा, अगर फिगर में मिस्टेक हुआ तो आपका क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीट हुआ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर थ्री। ओके इसमें क्या करना है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, इस बुक से आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगा ठीक। मैं जब इसको फिगर बनवाऊंगा तो क्वेश्चन पढ़ते हुए बनवाऊंगा, तो आप उसको ध्यान से समझिएगा। ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए इसका फिगर बनाते हैं, क्या है एक बेलन है, क्या है बेलन, ध्यान से समझिएगा, एक बेलन है, ऊंचाई कितना है 2.4, इस बेलन का ऊंचाई दिया है 2.4 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से, इसका व्यास कितना है, टोटल व्यास हमारा है 1.4 सेमी, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है 1.4, तो हमारा रेडियस क्या होगा बाबू 0.7 सेंटीमीटर में सब है, ध्यान दीजिएगा यूनिट का। इसमें से एक शंक्वाकार खोल काटा जाता है, क्या काटा जाता है, इस व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, क्या किया जाता है, काट लिया मतलब निकाला जाता है अंदर से, इसी में से एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है ठीक। काट लिया जाता है, खोल काट लिया जाता है तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए ध्यान से, देखिए शंक्वाकार भाग काट के ऊपर से निकाल लिया जाता है, तो ध्यान से समझिए इस बात को मैं क्या समझा रहा हूँ कि एक बेलन लीजिएगा ठीक, इसमें से बेलन में से कुछ चीज़ ऐसा है मान लो कि काटने वाला है, तो शंक्वाकार चीज़ ये निकाल लिया जाता है, तो ध्यान समझिएगा, तो हमको क्या क्या मतलब सतह है कहाँ कहाँ मिलेगा इस बात को ध्यान समझिए, सतह नीचे मिलेगा, क्या मिलेगा नीचे, और ये बगल वाले पूरा राउंड वाले मिलेंगे, राउंड वाले ठीक है, और ऊपर का ये खाली हो गया, जब ये खाली हो गया ऊपर का ये पूरा निकल गया तो ये जो शंक्वाकार हिस्सा मिलेगा अंदर भी मिलेगा ना, एक स्पेस मतलब ये मतलब आकृति बन जाएगी, देखोगे तो शंकु की आकृति बनेगी, तो उसकी जो सतह होगी, सतह ध्यान समझिए, उसकी जो सतह होगी बाबू तो वो क्या हो जाएगा हमारा, उसमें ये हो जाएगा कि शंकु भी मिलेगा, शंकु का वक्रपृष्ठ मिलेगा, क्योंकि शंकु का वक्रपृष्ठ देखो उल्टा निकाले हैं तो उसमें एक शंकु बना होगा ना, ऐसा मानिए कि ये एक बेलनाकार क्या है, एक बेलनाकार कोई ऐसा चीज़ केक वोक टाइप है, केक जिसको काट के चाकू से निकाला जा सके, तो यहाँ पर केक टाइप है, इसमें से शंक्वाकार हिस्से को चाकू से काट के निकाल लिया गया है। ओके तो उसमें एक मतलब एक आकृति बन जाएगी शंक्वाकार, मतलब शंकु का भी वक्रपृष्ठ हमको निकालना होगा, कहने का मतलब इस आकृति का हमको क्या निकालना है, इसका पृष्ठ हाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ठीक है, तो हम निकालते हैं, देखिए लिखते हैं, देखिए बाबू बेलनाकार भाग की ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई हमारा कितना है 2.4 सेंटीमीटर, क्या है बाबू 2.4 सेंटीमीटर ठीक, और इसमें देखिए बेलनाकार भाग का त्रिज्या लिख लेते हैं सीधे, व्यास दिया है हमको त्रिज्या की जरूरत होगी, तो आपका व्यास इतना है तो उसमें दो का भाग देंगे तो 0.7 सेंटीमीटर ये हमारा त्रिज्या हो जाएगी ठीक। तब देखिए इसमें देखिए संपूर्ण आकृति का, देखिए जो त्रिज्या हमारा ध्यान समझिए, जो त्रिज्या हमारा क्या होगा, जो त्रिज्या हमारा इसका होगा, ये बेलनाकार भाग का वही त्रिज्या हमारा शंक्वाकार भाग का भी होगा, ध्यान समझिएगा 0.7 क्योंकि इसी में से काट के निकाला जा रहा है ना ठीक। ओके अब देखिए शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, ऊंचाई कितना होगी, h बराबर इसकी मान लो h है ये बीच में मान लो इसमें इसकी ऊंचाई होगी कुछ ठीक है, ऐसे समझिएगा, तो जितना इसकी ऊंचाई है उतना इसकी भी होगी ठीक। ओके अब देखिए, देखिए शंकु का हमको वक्रपृष्ठ चाहिए, क्या चाहिए वक्रपृष्ठ, तो वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है शंकु के, क्या होता है पाई आर एल, क्या होता है बाबू पाई आर एल, पाई आर एल होता है तो हमको एल चाहिए, तो एल बराबर क्या होगा शंकु तिरेक ऊंचाई, जो तिरेक होता है ए इसी को एल बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको तिरेक तिरछी लंबाई बोलते हैं
शंकु की तिरछी लंबाई एल बराबर, सूत्र लिखवाए थे आप लोग को पता होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, तो यार बाबू क्या होगा बाबू, एच मान 2.4 इकाई में है, देखते हैं आपका थोड़ा क्या है 2.4। आर का वैल्यू कितना है, आर का आपका कितना मतलब आर ये है त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या सेम होंगी, देखो यहाँ भी है उतना ही यहाँ भी, क्योंकि इसी में से काट के निकाला जा रहा है, तो शंकुआकार भाग और बेलनाकार भाग दोनों की त्रिज्या क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है बाबू, क्या होगा 0.7 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा अंडर रूट 5.576 होता है, 5.76 प्लस ये कितना आएगा 49.49। ठीक, इतना देखो हल करेंगे तो आएगा, इसको ऐड कर लेना तो 6.25 आएगा। ठीक, 6.25, अब इसको अंडर रूट निकालिएगा क्या आएगा, ये 25 का वर्गमूल होता है। ठीक, 2.5 सेंटीमीटर हमारी एल बराबर क्या आ गया मान 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा ए आ गया। तो अब निकालते हैं जो निकालना है, मतलब पूरी आकृति का जो आकृति बना था इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, पूरा जितना आकृति जहाँ जहाँ क्षेत्रफल मिलते हैं, मतलब जहाँ जहाँ पृष्ठ मिल रहा है उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हम निकालते हैं इसको ना, पूरी आकृति मतलब ओ, ठीक है, उसका जो आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा बाबू, बेलनाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठ प्लस करिएगा शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ, शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ। देखिए क्या क्या करना था, बेलनाकार भाग है इसका संपूर्ण पृष्ठ प्लस शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ प्लस, फिर माइनस करेंगे माइनस, देखो यहाँ वृत्त बन रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल, इसको समझा रहे हैं, इनको देखो ध्यान समझिए कैसे समझा रहे हैं इसको। देखिए बेलनाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये होता है कि नीचे का भी हिस्सा ले लेंगे, ऊपर का हिस्सा ले लेंगे और जो साइड वाले हिस्से हैं इनको भी ले लेंगे। क्या करेंगे बाबू, नीचे का भी हिस्सा ठीक और ऊपर का भी हिस्सा, जैसे बेलन है कोई, मान लो सपोज दैट ए बेलन है, क्या है ए बेलन है, तो ध्यान समझिएगा इसको, ये हमारा मार्कर क्या है, बेलन है। ठीक, तो इसको समझिएगा, ये ऊपर का हिस्सा क्या है, राउंड है या पैक है, और नीचे का हिस्सा भी पैक है, ठीक है, पैक है कि नहीं, देखो पैक है। ठीक है, तो हमारा ये भी एरिया बनाएगा, वृत्त बन रहा है, यहाँ भी एरिया बना रहा है, वृत्त बन रहा है, और ये ऊपर का देखिए ये पूरा क्या है, ये राउंड है, बेलन है, क्या है बेलन। तो इसमें क्या हो रहा है कि ऊपर से काट के निकाल दिया गया है, तो जो ये वृत्त वाला हिस्सा है वृत्त का ये निकल गया ना, मतलब इसका एरिया हमको नहीं मिलेगा, अंदर से शंकु बन ही रहा है लेकिन यहाँ पर क्या नहीं मिलेगा, वृत्त नहीं मिलेगा, तो उसी वृत्त के एरिया को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं माइनस, देखिए माइनस में वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर रहे हैं। ठीक, जो ऊपर वृत्त बन रहा है। ठीक बाबू, देखिए बेलनाकार भाग देखिए क्या होगा, इसका होता है 2πRh + 2πR2। ठीक, क्योंकि एक नीचे होता है एक ऊपर होता है और वक्र पृष्ठ होता है। ठीक, और फिर प्लस शंक्वाकार भाग πRL। ठीक, माइनस देखिए एक वृत्त खत्म हो रहा है यहाँ से, तो πR2। ठीक, ये सूत्र होता है आपका, तो इसमें सब ये घटा दीजिएगा, घटाएंगे कितना होगा 2πRh प्लस, देखिएगा एक ठो कट गया तो बचेगा πR2 प्लस πRL। ठीक, अब देखिए इसमें अगर कॉमन लेना चाहते हैं, जो चीज़ें कॉमन होती हैं तो आप कॉमन सब कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में वैल्यू हम रखेंगे, क्योंकि वैल्यू पहले ही रख देंगे तो प्रॉब्लम होगा सॉल्व करने में। ठीक है बाबू, तो हम वैल्यू इसमें कॉमन लेते हैं, देखो πR यहाँ भी है, πR यहाँ भी है, πR यहाँ भी है, तो हम कॉमन करते हैं, πR कॉमन करते हैं तो बचेगा 2h प्लस, यहाँ देखिए क्या बचा है πR2 है, तो यहाँ πR निकल गया, बचेगा R यहाँ पर L। ठीक है, अब देखिए वैल्यू रखते हैं, 22/7 इसका मान होता है, R का मान क्या है 0.7। ठीक, और अंदर ब्रैकेट में क्या है 2h, h मान कितने निकाले हैं, h मान ये है 2.4। ठीक, प्लस R का मान कितना है
आर का मान हमारा 0.7 है, अब एल का मान कितना है बाबू 2.5। बस इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा तुरंत हमारा। तो देखिए यहाँ पर जगह कम है तो हम यहाँ एरो बना के यहाँ से लिख देते हैं, ठीक इक्वल। देखिए बाबू हम देखो यहाँ पर काटेंगे इसको, देखियो इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, 22/7 गुणे 7/10। देखिए यहाँ दशमलव है बट 7/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4, देखो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4.8 होगा, तो हम इसको 48/10 लिख लेंगे। सॉल्व करने का है केवल, बस 7/10 इसको लिखेंगे। 0.7 क्या लिख देंगे 7/10, और इसको क्या करेंगे बाबू 25/10, ठीक है। अब क्या करिएगा आप लोग, ये 25/10 है, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए, देखो हर समान है तो ऊपर का जोड़ देंगे, ठीक। यहाँ 7/7 कट जाएगा, ठीक। और क्या है 22 बचा अभी। अब देखिए सब हर समान है तो ऊपर का जोड़ देंगे, तो 48 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 55। 48 में 7 जोड़ते हैं कितना आएगा बाबू 55। अब 55 में 25 जोड़ेंगे क्या होगा 55 5 60 60 20 80, 80/10। यहाँ देखिए 10 ये बचा है बाहर का, तो 10 नीचे है ही और ये 10 ये होगा। मैं सोचता हूँ कि आपको, मैं आशा करता हूँ कि भिन्न का जोड़ आता होगा बच्चे, क्योंकि आप लोग क्लास 10th में हैं, तो भिन्न का जोड़ आप अच्छे से कर लेंगे। मैं कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, कैलकुलेशन तो आपके काम है, कर लेंगे, ठीक है इस प्रकार से। अब देखिए इस 0 से 0 काट देंगे, ठीक। अब इसको गुणा कर लीजिएगा, 22 में 8 का गुणा करिए, 22 में 8 का 8 × 2 = 16, 8 × 2 = 16 71 है, ठीक। इतना आएगा, देखिए ये दशमलव, देखिए ये आएगा कितना 176/10। अब देखिए 10 का भाग देंगे तो 17.6 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। कितना आएगा बाबू 17.6। क्या है, क्या निकलना था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे किसमें है, सेमी में है, ये सेमी स्क्वायर में आएगा, किसमें सेमी स्क्वायर, ठीक। ओके तो हमारा कितना है बाबू 17.6, मतलब 18 के आसपास आंसर रहेगा, ठीक। डेसिमल में यदि थोड़ा सा कम अधिक है तो मैनेज कर लेंगे, वो मान्य होता है, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। ओके बाबू क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए, जिसको लेना है ले लीजिए, बिल्कुल ओके। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 था ये, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ओके, 3 हमारा कंप्लीट हो गया, आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं बाबू, केवल मैं क्वेश्चन नंबर डाल दे रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन इस बुक से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन बोल भी रहा हूँ, जब मैं फिगर बनवा रहा हूँ उस क्वेश्चन का, आकृति जब बनवा रहा हूँ तो मैं उस क्वेश्चन को बोल रहा हूँ, तो इस बातों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 13A ऐसे फोन नंबर लिखा होगा तो फोन नंबर को देखिएगा, कौन सी बुक, डॉक्टर मनोहर दे बुक क्लास 10th मैथमेटिक्स ओके। देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। क्या है, भुजा 7 सेमी वाला एक घनाकार ब्लॉक है, घन आप लोग जानते ही हैं, ठीक है बना लीजिएगा आप लोग, ये ऐसा ब्लॉक है, घन की सारी भुजाएं समान होती हैं, तो ये कितना है 7 सेंटीमीटर, इसी पे क्या है बाबू एक गोला रखा गया है, अर्धगोला, ठीक है। क्या रखा गया है, अर्धगोला रखा गया है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब ये जो ठोस बना है इसका इसका क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए ये क्या है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि भुजा है घन का, ठीक। देखिए व्यास क्या हो सकता है, समझिए बात ध्यान से, इसके भुजा पे ही रखा गया है अर्धगोला, कहाँ रखा गया है, इसके भुजा पे ही रखा गया है, तो जो अर्धगोला बनेगा उसका व्यास क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा बाबू, देखिए यहाँ पर पूरा क्या होगा, इसका 7 सेंटीमीटर ये भी होगा, तो अर्धगोले का त्रिज्या कितना हो जाएगी 7/2, क्या होगी 7/2। देखिए ध्यान से, घनाकार ठोस
कि भुजा, भुजा मान लो ये स्मॉल ये मानते हैं 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक लिखना। चूंकि घनाकार ठोस पर अर्धगोला अर्धगोला रखा गया है, इसलिए घनाकार ठोस पर अर्धगोला रखा गया है इसलिए अर्धगोले अर्धगोले का व्यास, व्यास कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, कितना होगा बाबू 60 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या कितना होता है व्यास का आधा होता है 7/2, देखिए उसी पर रखा गया अर्धगोला तो हमारा क्या हो गया व्यास कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ओके ये हो गया। अब क्या करना है, क्या पूछा है देख लेते हैं। तो इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो ठोस बन गया इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिएगा। तो देखिए थोड़ा हम समझाते हैं आपको, देखिए जो घन होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र 6a² क्या होता है बाबू 6a² और अर्धगोले का वक्रपीठ क्या है 2πr², ठीक है 2πr² तो इसमें देखो एक एक चीज छिपा है अंदर का, इसी पर ये है मतलब एक वृत्त बनाएगा। अर्धगोला अगर बनाते हैं आप लोग तो देखिए ऐसा है तो नीचे ये वृत्त बनाएगा ना, ठीक है तो मतलब जो घन बनेगा उसमें से उसमें घन घन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, ये वाला चीज हमको नहीं मिलेगा नीचे वाला क्योंकि चिपका हुआ है नहीं मिलेगा, इसलिए हम क्या करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे। तो जो हम बोले हैं अभी उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है देखिए ध्यान से। संपूर्ण ठोस का क्षेत्रफल बराबर घन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस उसके बाद माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। क्यों वृत्त का क्षेत्रफल कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखिए बाबू यहाँ पर एक नीचे यहाँ जब जो चिपका हुआ हिस्सा है उसमें एक वृत्त ही बनेगा, ठीक है तो इस वाली ये वाला चीज़ हमको मिल नहीं रहा है, इसको घटाना पड़ेगा। देखिए घन का वक्रपीठ कितना होता है 6a² अर्धगोले का वक्रपीठ क्या होता है 2πr² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ तक माइनस लगा है वृत्त का क्षेत्रफल तो πr², ठीक है बाबू इसको हल कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से। देखिए हल करते हैं 6a का मान कितना है 7 है तो 7 रख दीजिएगा 2π, देखो इसमें से 1π कट गया तो बचेगा πr², क्या बचेगा πr², ठीक है तो इसको हल कर लेते हैं 6 × 7 = 49 22/7 आर का मान कितना है, आर का मान 7/2 होगा, त्रिज्या क्या है बाबू 7/2 यार है, ठीक है यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर 7/2 का स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक इतना हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए इसको गुणा कर दीजिएगा 49 में 6 का गुणा कर दीजिएगा 6 × 54 = 5 हासिल लगा 4 × 6 = 24 होता है तो 294 ये हो जाएगा, ठीक क्या हो जाएगा 294 ये हो जाएगा हमारा। यहाँ पर देखिए कुछ कट जाएगा, देखो 22/7 ऐसे हैं तो इसको 7/2 को दो बार ऐसे लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं 7/2 है, ठीक है तो ये हमारा ये कैंसिल हो गया। ओके बाबू ये हमारा कैंसिल हो गया तो बचा क्या, अब जो बचता है इसको हल कर लेते हैं। देखिए 2 है तो इस 2 को हम ऐसे काट देते हैं तो 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11, ये 7 है 11 तो देखते हैं 294 + 11 = 7 देखो यहाँ 11 बचा है यहाँ 7 बचा है 11 × 7 = 77/2। ओके इसको हल कर लीजिएगा आप लोग, हो सकता है डेसिमल में आंसर आए। देखिए हल करते हैं इसको क्या हो जाएगा, ये 4 × 8 9 × 18 कि 8 × 2 = 5 ठीक और प्लस 77 नहीं करिए, हाँ 77 कर लीजिएगा, ठीक अब जोड़ दो 8 × 7 = 15 × 8 × 15 = 16 अब भाग दो 3 × 3 × 2 = 4 = 5 इतना आएगा 332.5 सेमी स्क्वायर, कितना आएगा बाबू 300 देखिए
332.5 सेमी स्क्वायर हमारा क्या आएगा आंसर। जो ये ठोस पूरा बना है, ये जो ठोस बना है इसका क्या आएगा, जो क्षेत्रफल है इस ठोस का कितना आया है 332.5 सेमी स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ हमारा। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग आराम से सुनिए। जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, मतलब लगा हुआ है। देखिए हम बना रहे हैं, कोई बर्तन क्या एक बर्तन है जो कि नीचे से क्या है अर्धगोला है। ठीक, नीचे से क्या है अर्धगोला है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर क्या है बाबू, एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, ध्यान समझिएगा। इसके ऊपर क्या है, एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ठीक, अर्धगोले का व्यास, ये जो अर्धगोला है इसका व्यास कितना है पूरा, मतलब यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर। अर्धगोले का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर दिया है क्वेश्चन में। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई, जो बर्तन बन रहा है इसकी कुल ऊंचाई यहाँ से नीचे से ऊपर तक 13 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है 13 सेंटीमीटर। ठीक, तो ध्यान समझिएगा, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब जो अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसी को निकालना है, क्योंकि ऊपर का खुला है। ठीक, तो बर्तन है तो ऊपर से खुला रहेगा तभी ना बर्तन होगा, जब पैक कर देंगे तो बर्तन किस बात का भाई, कुछ डाल ही नहीं सकेंगे हम लोग, उसको सोचने रख ही नहीं सकेंगे तो बर्तन नहीं होगा ना। इस प्रकार से हम कह रहे हैं कि जो ऊपर का हिस्सा है खुला रहेगा। ठीक है, ये वाला तो देखिए, देखो ये पूरा व्यास है तो इसका त्रिज्या कितना होगा 7 होगा। ठीक है, 7 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक, जब ये देखो गोला है तो इधर भी एक बनाएगा अर्धगोला, ये भी 7 होगा, मतलब कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ से यहाँ तो क्या हो गया 7 हुआ कि नहीं 7, समझिए एक बात, यहाँ से यहाँ क्या हो गया 7 हो गया। ठीक, क्या होगा बाबू, ये 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए ओके, ये 7 है तो ये बेलनाकार हिस्सा का भाग कितना होगा, पूरा 13 है। देखिए पूरा 13 है तो ये कितना होगा, 13 माइनस 7, 13 में से 7 माइनस करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, 6 सेंटीमीटर, मतलब बेलनाकार हिस्से का ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ लंबाई। ठीक, तो इस प्रकार से हम फिगर लिख के आपको समझा दिए हैं, इसी बात को हम अब लिखेंगे। ठीक है बाबू, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। देखिए अर्ध गोले, चूंकि अर्ध गोले का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर है, इसलिए अर्ध गोले का त्रिज्या, अर्धगोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा 14/2, आधा होता है ना व्यास का, तो 7 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, जो भी लिखे हैं 7 सेंटीमीटर लिखना। पुनः अर्धगोले पर बेलन अध्यारोपित है। देखिए क्या है, बेलन पे, इस गोले पर बेलन अध्यारोपित है, इसलिए बेलन का त्रिज्या, जो बेलनाकार हिस्सा है उसका त्रिज्या कितना होगा, उसका त्रिज्या भी क्या होगा 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इसी पे है तो इसका भी त्रिज्या कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा बाबू, 7 सेंटीमीटर। ओके, इस बात को समझिए, कितना होगा 7 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब देखिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकालना होगा, क्योंकि हम यहाँ बता दिए हैं, इसी चीज़ को हम लिखेंगे। ठीक है, ध्यान देखिए, बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर 6 सेंटीमीटर। ओके ठीक है, हाँ, अब क्या पूछा है वो देख लेते हैं हम लोग। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस प्रकार जो ठोस बना इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिख लेते हैं डायरेक्ट, अतः बर्तन का आंतरिक
पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, आधे पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस, जो अर्धगोला इसका वक्र पृष्ठ और प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। समझे बाबू, कहने का मतलब हमको ये वक्र पृष्ठ मिलेगा, ऊपर खाली है, नीचे का पैक है, तो क्या मिलेगा, बेलन का हमारा क्या मिलेगा, वक्र पृष्ठ ही मिलेगा ना, बिल्कुल वक्र पृष्ठ मिलेगा। और नीचे का हिस्सा जो है ये भी हमारा क्या है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है। लेकिन दोनों को वक्र पृष्ठों को निकाल कर यदि जोड़ दिया जाए तो इस पूरे बर्तन का क्या होगा, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक बाबू, देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πr², बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, क्या होता है, 2πrh, ये होता है 2πrh, ये सूत्र है। ठीक है, वैल्यू सभी हैं, अभी हम यहाँ पर रखेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या है, 2πr कॉमन है, बचा r प्लस एच, बचा कि नहीं, बिल्कुल बचा, देखिए 2πr यहाँ निकला, 2π यहाँ, यहाँ तो यहाँ h बचा, यहाँ r बचा। ठीक है बाबू, अब मान रखते हैं 22/7, r का मान कितना है, r का मान देख लीजिए, ये हमारा त्रिज्या क्या है, यही है, सब त्रिज्याएँ सेम है, ये क्या है 7, यहाँ 7 रखी, यहाँ देखिए अंदर क्या बचा है, r कितना है 7, ये h आपका कितना है 6। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 7 से 7 कट जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा 22×44 गुणे यहाँ कितना होगा 7×6 13। ठीक, इस प्रकार से 44 में 13 का गुणा कर लीजिएगा तो आपका आंसर, करते हैं गुणा, 44×13, 4×3 12, 4×3 12 13, 4×4 2, 4×3 7 5, 572, क्या आएगा बाबू, 572, 572 सेमी में है तो सेमी स्क्वायर हो जाएगा, कितना होगा, सेमी स्क्वायर, कितना है गुणा करने में, देखिए 572। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, 572 सेमी स्क्वायर इस पूरे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, कितना है बाबू, 500, कितना है, 572 सेमी स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ले लीजिए स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लीजिए आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा, क्वेश्चन नंबर 6, ओके, क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इसमें क्या है, तंबू है, हम मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उसके बाद फिगर बनाऊंगा, अब क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा फिगर बनाता जाऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, इस बुक से देख लीजिएगा। ठीक, डॉक्टर मनोहर रे एनसाइटी बुक, मैं बीच बीच में बोलता जा रहा हूँ, जो बच्चे मान लो 20 से जुड़े होंगे कहीं 20 से, तो लोग को समझ में आ गए बातें। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बाबू, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, एक तंबू है ये बेलनाकार है, ठीक है, जिस पर एक क्या है, शंकु अध्यारोपित है, मतलब तो शंकु ऊपर बना है, ठीक है, कुछ ऐसा है। ठीक, शंकु अध्यारोपित, इस यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना है, 2.1 मीटर, यहाँ से केवल बेलना का भाग का यहाँ से यहाँ तक, और व्यास कितना है, इसका व्यास भी मान लो नीचे से है, पूरा व्यास हमारा कितना है, 4 मीटर, क्या है बाबू, 4 मीटर, बाकी ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है, मतलब पहला हमारा ऊंचाई हो जाएगा 2.1 मीटर और व्यास क्या है, 4 मीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगी, 2 मीटर। मैं सब बोलता जा रहा हूँ, ध्यान से फिगर देखिएगा, आप लोग फिगर बना रहा हूँ, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये जो शंकुआकार भाग है इसका तिर्यक ऊंचाई होता है यही वाला यल, तो यल कितना है, 2.8 मीटर, कितना है बाबू, 2.8 मीटर, ओके, 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इस तंबू को जो बनाना है, इस पूरा तंबू जो बना के तैयार करना है, इसमें प्रयुक्त कैनवास जो कपड़ा लगा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही क्या कह रहा है, 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत, पहले हम इसको क्षेत्रफल निकालेंगे,
फिर कह रहा है कि क्षेत्रफल जब आ जाएगा तो उसमें 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खर्चा लगा है, तो उस खर्चा का लागत बताना है, मतलब कितना खर्चा आया है वही बताना है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं आपको, लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए तंबू के बेलनाकार भाग की त्रिज्या क्या है, त्रिज्या कितना है, बेलनाकार भाग की त्रिज्या कितनी है। देखिए त्रिज्या हमारा है 2.2 मीटर केवल है। ठीक है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी बाबू, ऊंचाई हमारा है 2.1 मीटर। इस बेलनाकार, इसको एच मानिएगा, ठीक है, 2.1 मीटर। ओके, यह बेलनाकार भाग की ऊंचाई है, इसकी बेलनाकार भाग की ऊंचाई, ठीक है। देखिए इसी पे ये शंक्वाकार भी अध्यारोपित है, तो इसका मतलब जो त्रिज्या बेलनाकार भाग का होगा वही त्रिज्या हमारा उसका भी होगा, क्या कहते हैं, शंक्वाकार का, किसका बाबू, इस शंक्वाकार भाग का, मतलब ये भी हमारा क्या होगा, 2 मीटर, ये भी हमारा क्या होगा, 2 मीटर। ठीक, ओके, अब देखिए क्या निकालना था इसमें, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास, ठीक है, तो डायरेक्ट लिखते हैं, तो पूरा कैनवास लगा है तो क्या क्या इसमें ऐड होगा, किसका किसका वर्कपीस या जो भी ऐड हो रहा है। देखो इसमें बेलन का वर्कपीस, नीचे तो जमीन होता है, वहाँ पर फर्श में मैट बिछाते हैं, लेकिन इसमें मैट की कोई चर्चा नहीं है, इस क्वेश्चन में मैट का कोई चर्चा नहीं है, इसमें किस केवल इस बात का चर्चा है कि कितना तंबू में कपड़ा लगेगा, कैनवास मतलब कपड़ा जो उसमें रहते हैं मोटे मोटे कपड़े, वो कितने लगेंगे। ठीक है बाबू, तो इसमें क्या है, इसमें नीचे फर्श में तो नहीं लगेगा कपड़ा यहाँ पर लगेगा, मतलब इस बेलनाकार भाग के वर्कपीस पे लगेगा, बेलनाकार जो नीचे वाला हिस्सा बेलनाकार भाग है उसके वर्कपीस पे लगेगा, और ऊपर का जो ये शंक्वाकार है उसके वर्कपीस पे लगेगा। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हमको बेलनाकार भाग का वर्कपीस तथा शंक्वाकार भाग का वर्कपीस दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे तंबू का हमारा क्या आ जाएगा बाबू, जितना कपड़ा लगा है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, तो हम चलो इसको लिखते हैं। देखिए हम सब लिख दिए हैं, सब मीटर लिख दिए हैं, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या कितनी है, इसको भी आ रहा मानिएगा, ठीक है, इस बेलनाकार का भी आ रही है, इसका भी आ रहा है, कितना है, 2 मीटर, ठीक है, और शंक्वाकार भाग का तिरक ऊंचाई है, इसको बोलते हैं तिरक लंबाई भी बोल सकते हो, तिरक लंबाई कितना दिया बाबू, 2.8 मीटर, कितना दिया है, 2.8 मीटर, कितना दिया है, 2.8 मीटर। ठीक है, अब देखिए अब पूरा तंबू का निकालते हैं, पूरे तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर, पूरे तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बाबू, ध्यान से समझिएगा, पूरे तंबू का क्षेत्रफल निकालना है तो बेलन और शंकु दोनों जोड़ेंगे। ठीक है, तो बेलन लिखते हैं, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंक्वाकार या शंकु को लिख दीजिए, शंकु का वक्रपृष्ठ, कहने का तात्पर्य यह हुआ, मतलब कहने का मतलब यह हमारा है, इसमें जो बेलनाकार भाग है उसका वक्रपृष्ठ, जो शंक्वाकार भाग है उसका वक्रपृष्ठ, दोनों को निकालने के बाद जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए ये बेलन है, बेलन, ठीक, देखिए बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2πRH, शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, πRL, ये सब फार्मूले आपको याद होने चाहिए, यदि फार्मूले नहीं याद है तो आप लोग नहीं कर पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो मेरा यही है आपसे अनुरोध कि आप सभी लोग इस फार्मूले को लर्न कर लीजिएगा, जिसको नहीं याद होगा, जिन बच्चों को याद होगा तो बहुत बेटर ही है, और जिन बच्चों को नहीं याद होगा वो अवश्य ही मतलब इस बातों को ध्यान दें। ठीक है, क्योंकि बिना सूत्र का मेंसुरेशन नहीं, इसको मेंसुरेशन पहले बोलते थे, मतलब अब तो आपका ये नया चैप्टर दे दिया है, पहले मेंसुरेशन इसको बोलते थे, तो ये चैप्टर बिना फार्मूले का नहीं हुआ। ठीक है,
देखिए जो कॉमन है बाबू उसको कॉमन ले लो, क्या है पाई और आर कॉमन, इसमें भी है पाई आर इसमें भी है, तो पाई आर यहाँ से लिए तो बचा 2h, यहाँ एल है, यहाँ एल आपका रहेगा ही, ठीक। अब देखिए वैल्यू हम रखते हैं पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, आर का मान आपका देखिए ये है 2 रखिए, ठीक है 2h है, 2 × h का मान कितना है 2.1, एल का मान बाबू यहाँ दिया है, देखो एल का मान यही है, एल हमारा 2.8, क्या है 2.8। अब क्या करिएगा इन दोनों को जोड़िएगा, मतलब इसको गुणा करने के बाद इसको हल करिए, तो देखिए हल करते हैं 22/7 × 2, इसको जो करेंगे क्या होगा, ये होगा 2.4/2 + 2.8, इसको जोड़ेंगे कितना आता है, इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 22/2 / 7, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3×7 होगा, इस 7 से 7 काट दीजिए, ठीक है इस 7 से 7 को काटिए, काट लेंगे मतलब कैंसिल कर लेंगे, तो ये होगा हमारा 44 m², ठीक है। मतलब इस कैनवास का पूरा क्या आ गया एरिया, मतलब कितना क्षेत्रफल का ये कपड़ा है कैनवास है उसकी एरिया कितना आ गया 44 m² आ गया, ठीक। इसमें एक बात और पूछा है कि साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत, क्या करना लागत बताना, खर्चा कितना है वो बताना है, ठीक है। तो इधर लिखते हैं चूंकि 1 m² कैनवास का खर्च बराबर 500 रुपये है, कितना है बाबू 500 रुपये, इसलिए 44, देखो कितना है 44, 44 m² कैनवास का खर्च, बस 500 में 44 का गुणा कर लीजिएगा आप लोग, कितना आएगा बाबू 500 क्या करेंगे 44 का गुणा कर देंगे, तो गुणा करिएगा कितना आएगा 4×5 देखिए कर लेते हैं, 44 में 5 का गुणा करके 0 बढ़ा लेंगे, 4×5 = 0, 4×5 = 2, 22, मतलब 2 0 पहले से 0 बढ़ा है तो 22 × 3 = 0, मतलब 22,000 रुपये आपका लगेंगे, आंसर ये आपका, ठीक बाबू। इस प्रकार से आपका कितना लगेगा 22,000 रुपये खर्चा आएगा, कितना आएगा 22,000 रुपये, मतलब इस पूरा तंबू बनाने में जो कपड़ा चाहिए उस कपड़े का खर्च मतलब लागत कितना है 22,000 रुपये है, ठीक। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ, ओके क्वेश्चन नंबर क्या हुआ 6 कंप्लीट हो गया, ठीक। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ले लीजिए, ठीक। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है बाबू, इसमें भी ऐसा ही है क्वेश्चन, देखिए हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8.25 m ऊंचाई का लंबवृत्ति बेलन का आकार का एक टेंट है जिसके आधार का व्यास 30 m तथा ऊंचाई 5.5 m है, यह एक लंबवृत्त का वृत्ताकार शंकु से घिरा हुआ है जिसका आधार समान है, जिसकी 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर से लगाने का कैनवास का खर्च, ये बिल्कुल 6 के ही तरह है, तो मैं क्या करता हूँ इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये आप समझिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का 2 copy है, जैसे जैसे मैंने बताया था अभी क्वेश्चन नंबर 6 में एक नीचे बेलन है ऊपर एक शंकुआकार है, बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है बाबू। देखिए एक किताब में यहाँ पर दिया है, फिगर दे दिया है, आप लोग देखिएगा बिल्कुल वैसा ही फिगर बन रहा है इसका, ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि बिल्कुल 6 की तरह है, तो इस प्रकार से मैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्किप करता हूं और मैं क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी को होमवर्क के रूप में दे दे रहा हूं, ठीक है कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से, अगर तब पर भी नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसको फिर से कराएंगे, ठीक है करा देंगे मतलब कम्प्लीट करा देंगे, ओके। तो आज हमारा बस इतना ही रहने देते हैं, और कुछ क्वेश्चन 8 से इसमें कितने क्वेश्चन हैं 13 तक है, 8 से 13 तक और हैं, तो अगले लेक्चर में मैं उसको पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है बाबू। तो इस प्रकार से आज का हम क्लास यहीं पर रोकते हैं, लास्ट में आप सभी से एक अनुरोध है कि हमारा ये जो लेक्चर अपलोड हो रहा है हमारे TWS पर, परिवार हमारा है चैनल है TWS, ठीक है इस चैनल को आप लोग अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, जिन बच्चों को क्लास 10th के बच्चे हैं उनको शेयर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ हो इन क्लासों का, ठीक।
और हमारे हमारे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा इंस्टाग्राम पेज है, ठीक है, वहाँ पर इसको आप जाइए, फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।